अपहरण हत्या बलात्कार मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों के बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। फूफा ने किया 8 साल की भतीजी से रेप, पाप छिपाने के लिए फिर कर दी क्रूरतापूर्वक हत्या। प्रेग्नेंट हुई प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी टीचर ने रची साजिश। रेप की आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और जेल भेजा। अब खबरें विस्तार से। फूफा ने किया 8 साल की भतीजी से रेप, पाप छिपाने के लिए कर दी हत्या। रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला इटरसी केसला इलाके में सामने आया है। यह फूफा ने ही 8 वर्षीय मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और दुष्कर्म के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। मासूम को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद मासूम के शव को जंगल में फेंक दिया था, जिसे रात भर की सर्चिंग के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरुवार की शाम को अपने ससुराल आया था। आरोपी शुक्रवार सुबह अपने साले की लगभग 8 वर्षीय बालिका को गाँव में चॉकलेट दिलाने की बात पर बहला फुसला कर जंगल की तरफ ले गया। इस दौरान उसने शराब के नशे में मासूम के साथ दरिंदगी की। दरिंदे ने फूफा ने अपनी दरिंदगी को छिपाने के लिए मासूम बालिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव को जंगल में फेंक कर ससुराल वापस आ गया। जब मासूम घर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद मासूम के पिता ने केसला पुलिस को घटना की जानकारी दी। इस दुर्दशा घटना की जानकारी मिलने पर SP गुरुकरण सिंह थाने पहुंचे। SP के निर्देश पर पास थाना प्रभारी एवं 60 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में काला आकर प्रूफ रेंज के जंगल में मासूम के शव की तलाश रात 11 बजे शुरू की। सर्च लाइट की मदद से पुलिस ने रात 3:55 पर मासूम के शव को जंगल से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। प्रेग्नेंट हुई प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी टीचर ने रची साजिश। शढ़ोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के दरसिला चौकी अंतर्गत एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक शिक्षक ने अपने नाबालिग प्रेमी छात्र की लगातार असमत लूटने के बाद जब वह गर्भ से हो गई और उसे लगातार शादी का दबाव बना रही प्रेमिका रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। छात्र प्रेमिका को जहरीला पदार्थ खिलाकर दर्दनाक मौत दी हो गई, फिर से कुएं में उसे फेंक दिया। शढ़ोल SIT पुलिस टीम ने इस अंधी कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी शिक्षक को गिरफ्तार कर इस अंधे कत्ल का खुलासा कर लिया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के दरसिला चौकी अंतर्गत ग्राम खांडा के रहने वाले 29 वर्षीय शिवेंद्र सिंह कंवर उर्फ गुड्डा नामक युवक पड़ोसी में ही रहने वाले एक 14 साल की नाबालिग छात्र से प्रेम प्रसंग के दौरान कई बार शारीरिक संबंध बना चुके थे, जिससे छात्र से गर्भ ठहर गया। इधर प्रेमिका लगातार शादी का दबाव भी बनाती रही। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आरोपी गुड्डा ने रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई और छात्र को मौका पाकर 13 नवम्बर के पड़ोस के खेत में कुएं की समीप झाड़ियों में बुलाया, जहां दोनों में गर्भ ठहरने के लेकर विवाद हो चुका। तभी आरोपी गुड्डा ने प्लानिंग के तहत छात्र को गर्भ से निपटारा पाने के लिए एक जहरीली जंगली फल खिला दिया, यह कहते हुए कि खाने के बाद गर्भ से निपटारा मिल जाएगा, जिसे खाने के बाद छात्र तड़प पककर मौत हो गई, जिसे वही कुएं में फेंक कर मौके से फरार हो गया। इस दौरान छात्र का पता नहीं लगने पर परिजनों ने जैतपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 4 दिन लापता रहने के बाद नाबालिग छात्र का शव कुएं के मिलने से सनसनी फैल गई, जिस पर सनसनीखेज मामला खुलासा करने के लिए 2 DSP 6 PI की टीम गठित करने के लिए। घटना के बाद 4 दिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दुराचार कर हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोपी को पुलिस पकड़कर जेल भेजा। दुष्कर्म का आरोप में फरार चल रहे युवक को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा दिया। पकड़ा गया आरोपी कई दिन से फरार चल रहा था। SO प्रमोद कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात में आए एक युवक ने गांव की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दे दिया था। पीड़िता के परिजनों शुक्रवार को थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी साहबान पुत्र नूसन निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर को पकड़कर जेल भेज दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर हाइकू फेसबुक
और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चलाए दर्शकों को ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।